सो गाइज एवरी वन, टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट हम एक स्टोरी बोलते हैं तो स्टोरी के अंदर हम कुछ कनेक्टर्स लगाएंगे ना, छोटे छोटे कनेक्टर्स लगा करके स्टोरी को थोड़ा डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। तो अभी मैं बेसिक कनेक्टर्स ला रहा हूँ, हाई फाई नहीं है, एडवांस स्ट्रक्चर से फातिमा हाई फाई स्ट्रक्चर्स लगाती हैं, तो हम बेसिक पे पहले काम करते हैं, उसके बाद हाई फाई भी कर लेंगे। तो मैं आपको ये शेयर करता हूँ, वेट अ मिनट, लेट मी शेयर दिस। आर यू एबल टू सी? यस सर। ओके जी। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स के बारे में बात करते हैं गाइज। देखिए, छोटे छोटे कनेक्टर्स है जिसमें से एक कनेक्टर होता है, इसको बोलते हैं सून आफ्टर। नाम शायद सुना हो आपने, सून आफ्टर। इसका मतलब हम कहाँ यूज करेंगे, इसको बोलते हैं कि तुरंत बाद। तुरंत बाद मान लीजिए आपने कुछ किया, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सून आफ्टर। इस आफ्टर के बाद आप कोई भी घटना दिखा सकते हैं, मतलब कोई भी आप नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। नाउन फ्रेज का मतलब है कि आपने बोला कि क्लास के तुरंत बाद, तो सून आफ्टर द क्लास। तो यहाँ पर ये जो द क्लास है, ये आपका नाउन फ्रेज है। आपने बोला कि क्लास के तुरंत बाद, तो सून आफ्टर द क्लास। आपको बोलना है कि पार्टी, बर्थडे पार्टी के तुरंत बाद, तो रजनी कैसे बोलेंगे? सून आफ्टर द आजकल न्यूज पेपर में जो आ रहा है, जो चाहिए ही चाहिए, सीखना पड़ेगा ही। तो सून आफ्टर बहुत बेहतरीन है। तो अगर मुझे बोलना है कि हमारे मीटिंग के तुरंत बाद, मीटिंग के तुरंत बाद कैसे होगा? सून आफ्टर द मीटिंग या आवर मीटिंग, जो भी है। ओके, रोल प्ले के तुरंत बाद, सून आफ्टर द रोल प्ले। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप कल से अंग्रेजी बोले तो ये झलक दिखनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए। अब बोलिए, इस्तेमाल कीजिए। अब कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि रोल प्ले गाइज, ऑडियो प्लीज। रोल प्ले के तुरंत बाद मैं हंसने लगी, तो क्या होगा? या तो आप पहले मैं हंसने लगी बोलो कि आई स्टार्टेड लाफिंग सून आफ्टर द रोल प्ले। इतना प्यारा है कि वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि क्या गजब है। एक छोटा सा हमने कनेक्टर लगाया, चार चांद लग गए जी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ड्राइवर भाग गया, तो पहले ड्राइवर को भगाते हैं कि द ड्राइवर फ्लेड सून आफ्टर द एक्सीडेंट। देखो, रन अवे भी हम कह सकते हैं कि द ड्राइवर रन अवे, लेकिन एक बड़ा अच्छा वर्ड है ये फ्ली। सुना होगा फातिमा, आपको पता होगा फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ली का बन जाता है फ्लेड। एक्सीडेंट, तो ये आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, फाइन। अच्छा, मीटिंग के तुरंत बाद मैं खाना खाऊंगी, अब क्या होगा? फ्यूचर लगा देते हैं। I will eat food soon after the meeting. ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंस कोई भी हो। I will have food. अगर कोई पहले से जानता है तो अच्छी बात। ओके, ड्रिंक के साथ भी have यूज करते हैं। जी जी, खाना पीना, नहाना, बैठना, फन करना, एंजॉय करना, बातें करना, सब में हैव लगता है। ओके, फाइन। इस क्लास के तुरंत बाद मैं इंग्लिश में बात करूंगी, तो आई विल टॉक इन इंग्लिश सून आफ्टर द क्लास। सून आफ्टर ये वाली क्लास, तो दिस क्लास। ओके, फाइन।
अब मुझे बोलना है कि एक्सरसाइज, अब यहां तक जो आप देख रहे हैं नाउन फ्रेज है, दिस क्लास, द मीटिंग, मतलब एक नाउन क्या होता है, एक नाम है, मीटिंग, क्लास, एक्सीडेंट। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि सून आफ्टर, यहां पर मैं लगा दूं जेरंड। जेरंड क्या होता है जी? आईएनजी प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जेरंड होता है कि वर्ब है, वर्ब में लगा हुआ है आईएनजी। अंकित चले गए हैं? उधर मैं, आई एम हियर। अच्छा, यू आर हियर, क्योंकि यहां से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जब स्क्रीन शेयर होता है तो आई कांट सी एनीबॉडी एल्स। फाइन, तो अब आई एन जी कैसे लगाए? अगर मैं कहता हूँ कि सून आफ्टर और मैं यहाँ कह दूं कि बीटिंग मशाल, तो अब इसका क्या मतलब हो गया? मशाल को, मशाल को मारने के तुरंत बाद। जी, तो मशाल को पीटने के तुरंत बाद। तो रजनी एंड रिचा आर स्क्वायर, आप इतना ध्यान दीजिए कि आफ्टर, आफ्टर के बाद अगर आपके मन में कोई एक्शन की फीलिंग आए कि खाने के बाद, पीने के बाद, तुरंत बाद, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। फुल हक है आपको, फुल हक, ठीक है जी। और आपको अगर, हाँ, ये आईएनजी लगा के ही बोला जाएगा। ये आफ्टर के बाद मैंने आपको दो सिचुएशन दिखाया। एक सिचुएशन मैंने दिखाया कि जहां पर सिर्फ एक मीटिंग, क्लासरूम, कॉन्वर्सेशन, ऐसे था, नाउन था सिर्फ। और अभी बता रहा हूं कि आप चाहे तो आईएनजी वाला भी लगा सकते हैं एक्शन के साथ। जैसे आपने बोला कि उसके बाल नोचने के तुरंत बाद मैं रोने लगी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग सून आफ्टर पुलिंग हिज हेयर। हाँ जी, रजनी जी, हेलो जी। हाँ जी सर, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के तुरंत बाद मैं अपने गैराज में गई। बच्चों को पढ़ाने के बाद, तुरंत बाद मैं अपने गैराज में गई। गैराज होता है ना, कार वर। आई वेंट टू द गैराज सून आफ्टर टीचिंग माई, सून आफ्टर टीचिंग माई किड्स, चिल्ड्रन, हाँ, किड्स भी कह सकते हैं। ओके, कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद वह लड़की रोने लगी। कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद That girl was crying. नहीं, रोने लगी तो started लगाना पड़ेगा। लगी, started. Okay. Yes sir. That girl started crying soon after क्या था sir next line? Conversation. After conversation. Soon after conversation. Debate के तुरंत बाद मैं जोर जोर से हंसने लगी। I started laughing soon after finished the debate. सुना, हम soon after के बाद noun लगा सकते हैं, नहीं तो हम action लगा सकते हैं। Soon after the debate, ठीक है जी। Soon after debate नहीं बोल सकते? अजी, बोल सकते हैं जी, soon after debate भी कह सकते हैं। Okay, fine. Sir, I come back for adjustment. Okay, Richa. Yes sir. Okay, meeting के तुरंत बाद मैंने अपने पति को फोन लगा दिया, कैसे होगा? I will call my husband soon after the meeting. सिर्फ एक will आपने गलत बोल दिया। Okay. ये past है, फोन लगाया तो I called my husband कर दो, I made a call. Yes. I called my husband soon after the meeting. इस क्लास के तुरंत बाद मैं नोट्स तैयार करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। I will make notes soon after the class. Soon after this class. Correct. और खाना पकाने के तुरंत बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। I will going for bath soon after finish my food. थोड़ा गलत सर, अगर हमें soon after नहीं बोलना, सिंपल करना नहाने के बाद, तो after having आएगा ना? हाँ जी after लगाइए। soon after सिर्फ ये दिखाता है कि तुरंत, उसके तुरंत बाद। गलत क्या हुआ कि मैं नहाने चली जाऊंगी ना, ऐसा था, तो I will go to take a bath soon after making food, खाना पकाने के तुरंत बाद। ओके, जैसे कि
टीवी देखने के तुरंत बाद मैं किचन में चली जाऊंगी, तो फ्यूचर है, चली जाऊंगी, तो आई विल, यस सर, बताइए, आई विल गो टू द किचन सून आफ्टर वॉचिंग टीवी. यस यस, तो सून आफ्टर समझ में आ गया. मशाल से भी पूछ लेते हैं. मशाल, यस, क्रिकेट खेलने के तुरंत बाद मैं पेड़ पे चढ़ गया. आई क्लाइम्ब द ट्री सून आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट. प्लेइंग क्रिकेट, ओके. नाश्ता करने के तुरंत बाद मैं टहलने लगा. टहलने लगा. आई स्टार्टेड वॉकिंग सून आफ्टर हैविंग फूड. सून आफ्टर हैविंग फूड, ओके, फाइन. उसको पीटने के तुरंत बाद मैं पुलिस स्टेशन चला गया. आई वेंट टू पुलिस स्टेशन सून आफ्टर बीटन हिज और हर. सून आफ्टर बीटिंग, हाँ, हिम या हर, ठीक है जी, करेक्ट है. तो सून आफ्टर आपके समझ में आ गया है. आफ्टर हैविंग क्या मतलब हुआ? After having का मतलब भी वही हुआ, खाना खाने के बाद. After having food. Okay. Soon का मतलब सबको पता है ना, शीघ्र. Soon मतलब जल्दी. Okay. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये soon after तभी लगाएंगे जब कोई किसी चीज के तुरंत बाद कुछ हुआ. तुरंत बाद अगर दिखाना हो तो आपको soon after लगाना होगा. Okay? जैसे कि हाँ, मेरे डांटने के तुरंत बाद वो रोने लगी, तो भाई कैसे इंसान बोलेगा कि she started crying soon after. हाँ, एक और चीज, मैं आपको यहाँ बता दूँ. सून आफ्टर में, सून आफ्टर के बाद आप चाहें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पूरा भी लगा सकते हैं. मतलब आपको तीन स्टाइल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तीन मेथड्स आपको बता दिए हैं. देखिए कैसे लगा सकते हैं. अगर मैं बोल दूं कि सून आफ्टर आई किक्ड हिम, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? उसको मारने के तुरंत बाद. तो आप चाहे तो पूरा बता सकते हैं कि आई किक्ड हिम आफ्टर आई किक्ड हिम, यानी कि मैंने उसको लात मारी उसके तुरंत बाद. तो सून आफ्टर आई किक्ड हिम. आप कभी कभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस होता है. तो ये भी आप कह सकते हो, जैसे कि मेरे उसको डांटने के तुरंत बाद वो रोने लगी. तो वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग सून आफ्टर आई स्कॉल्डेड हर. कितना बेहतरीन है, सून आफ्टर आई स्कॉल्डेड हर. तो ये भी एक स्टाइल है. आपको पूरा दिखाना है कि जी मैंने डांटा था जी उसको, मैंने डांटा था और उसके तुरंत बाद वो रोने लगी. आप खुद को आई बोलिए और आपने जो किया उसको दिखाइए, पूरा दिखाइए, फुल हक है आपको. ओके, जैसे कि मैंने उसको प्रपोज किया और उसके तुरंत बाद उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया. तो शी स्टार्टेड बीटिंग मी सून आफ्टर आई प्रपोज्ड. सून आफ्टर आई प्रपोज्ड हर. ओके, मैं बोलूं कि मैंने अपने पति का मोबाइल छीना और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे डांट दिया. तो माई हस्बैंड scolded me soon after I snatched his mobile. Snatched his mobile. तो बहुत कुछ है soon after के अंदर. ये रहा. अब मैं फिर से दोहरा दूं. Accident के तुरंत बाद soon after the accident. Okay. Soon after the accident. मीटिंग के तुरंत बाद सून आफ्टर द मीटिंग. डांटने के तुरंत बाद सून आफ्टर स्कॉल्डिंग. खाना पकाने के तुरंत बाद सून आफ्टर कुकिंग फूड या मेकिंग फूड भी चलेगा. सर इसका क्या होगा? कपड़े धोने के तुरंत बाद मैं टीवी देखने लगी. इसमें कपड़े धोने में पैसिव होगा क्या? नहीं, पैसिव नहीं होगा जी. आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी सून आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स. कपड़े किसने धोए वो तो बताया नहीं ना, इसमें इसको हम पैसिव में नहीं काउंट करेंगे क्या? इसमें एक ही एक मैं थोड़ा सा और इसको समझा दूं. ठीक है, सवाल पूछता है मशाल तो सही है, लोगों के कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं. पूछना चाहिए सवाल.
देखो सब्जेक्ट अगर एक ही है, सब्जेक्ट एक है, वन सब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट कह रहा है कि सून आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, तो इसे साफ पता चल रहा है कि जो आई नाम का व्यक्ति है इसी ने कपड़े धोए होंगे, समझ रहे हो, और इसी ने टीवी देखना भी शुरू कर दिया, इसे साफ पता चल रहा है। तो बार बार हमें यहाँ नहीं लगाना है कि मैंने ही टीवी कपड़े धोए उसके बाद मैंने ही टीवी देखा, एक ही सब्जेक्ट ने दोनों काम किए, साफ पता चल रहा है। ओके okay? सर ये काम तो हो चुका है तो फिर आईएनजी क्यों लगा रहा है, जैसे ये कपड़े धोने का काम हो चुका है ये ना। यस सर जी हेलो जी चलिए ये भी समझाने सर ये सुनाफ्टर के बाद इनका वर्क के साथ वर्क की फॉर्म लगेगी। हाँ जी मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसे जो भी प्रेपोजिशन होते हैं प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप कोई एक्शन दिखाएंगे कोई भी एक्शन क्रिया दिखाएंगे तो उस क्रिया में आपकी मजबूरी है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा आईएनजी लगाएंगे। क्यों लगाना पड़ेगा कि आईएनजी लगाने से क्रिया क्या बन जाता है जेरंड बन जाता है और जेरंड क्या काम करता है नाउन का काम करता है और नाउन क्या काम करता है या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैं एक सवाल पूछूंगा क्या नाम है सबाहत, आई मशाल तुम मत बताना, आई वेंट टू स्कूल, इसमें बताइए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किधर है। आई सब्जेक्ट है ठीक है, वेंट क्या है जी, वेंट सर वर्ब हो गया वो मैं गई तो गो का वेंट हो गया ठीक है, और ऑब्जेक्ट सर स्कूल, इसका जरा पैसिव बनाइए तो आई पैसिव बनाइए बनेगा नो सर वेंट हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, नहीं नहीं हेल्पिंग तो नहीं मेन वर्ब है इसका पैसे, अच्छा इसका पैसे फातिमा बना रहे हैं कि आई वाज गोन टू एक्चुअली सर गो का होता नहीं है पैसे जैसे अभी फातिमा ने कहा कि गो का पैसिव नहीं होता है तो उन्होंने ऐसा रट लिया कि गो का पैसिव नहीं होगा कम का पैसिव नहीं होगा, हालांकि रूल ये नहीं कि इसका पैसिव नहीं होगा, रूल ये है कि पैसिव उसी का हो सकता है जिस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए, इस वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है कि प्रेपोजिशन है, क्या है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद स्कूल है तो स्कूल इस वेंट का ऑब्जेक्ट है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जी भैया, अगर प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा ये टू हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद अगर स्कूल आया है ये स्कूल ऑब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का है। प्रेपोजिशन पैसिव कब बनता है जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैं बोलू कि आई स्लैप्ड माई फ्रेंड, यहाँ पर स्लैप्ड हमारा वर्ब है और इस वर्ब का ये जो माई फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट है, बीच में कोई प्रेपोजिशन है क्या, नहीं है, इसका पैसिव आराम से बन जाएगा कि माई फ्रेंड वॉज स्लैप्ड बाई मी बन गया। लेकिन अगर किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन होगा उस प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ होगा तो ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैं इतना लेक्चर इसलिए दिया कि मैं बस इतना साबित करना चाह रहा था कि जो प्रेपोजिशन होगा उसके बाद जो शब्द होगा वो शब्द क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ये जो कप है ये कप इसको मैं सब्जेक्ट भी बना सकता हूँ और इसको मैं ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, यानी कि एक नाउन है, नाउन यही होता है ना भाई, नाम किसी चीज का नाम, अगर मैं चाहूँ तो ये कप ये एक नाउन है, ये नाउन मेरा सब्जेक्ट का भी काम करेगा और यही मेरा ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। कैसे काम करेगा जी, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आई ब्रोक द कप, यहां पर कप किस चीज का काम कर रहा है बताइए, आई क्या है सब्जेक्ट, ब्रोक क्या है वर्ब, अब कप क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस ब्रेक का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कप किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इसी को बोल दूं कि द कप फेल डाउन, अब बताइए कि कप किस चीज का काम कर रहा है सब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
तो कहने का मतलब है कि कप आखिर नाउन था ना, नाउन ही था ना भाई। तो नाउन दो काम करते हैं, नाउन कितने काम करते हैं, दो काम करते हैं। नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं कह रहा था कि जब तक वो कोई चीज है, जैसे कोई कप है, मोबाइल है, तब तक तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कोई एक्शन होगा, अगर कोई एक्शन होगा, तो एक्शन को नाउन तभी बना सकते हैं जब उसमें क्या लगाना पड़ेगा, आई एन जी लगाएंगे। तो आई एन जी लगाने के बाद क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। तो नाउन बनेगा तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, या तो सब्जेक्ट की जगह करेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि अगर कोई प्रेपोजिशन के बाद कुछ आएगा तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो भैया जब मेरा ये एक्शन आई एन जी नाउन है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना। तो अगर मैंने आफ्टर के बाद गोइंग लिख दिया तो क्या गुना कर दिया, ये गोइंग हमारा वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है। वर्ब अरे वर्ब नहीं है भाई साहब, ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, आफ्टर प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर ईटिंग, मैं कहता हूँ आफ्टर ईटिंग फूड, तो ये आफ्टर प्रेपोजिशन है और ये जो ईटिंग फूड है ये कोई वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बस, प्रेपोजिशन। तो इसीलिए मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक तरीका बताता हूँ कि भाई तरीका ये है कि खाना खाने के बाद बोलना है तो आफ्टर ईटिंग फूड कह दो। उन्होंने मुझे सवाल किया कि आई एन जी क्यों लगा, इसीलिए मैंने इतना लेक्चर दिया। आई एन जी मजबूरी है सवाहत, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन होगा तो आई एन जी लगेगा, लगेगा और लगेगा। ठीक है जी, यस सर। किसी आफ्टर को भी जेरंड बोलते हैं ना? हाँ जी, ये पार्टिसिपल फॉर्म में आता है। आफ्टर जेरंड नहीं है, जेरंड ये होता है जो वर्ब में आए। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि कजोलिंग अ गर्ल इज टफ, कजोल का मतलब होता है पटाना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लड़की को पटाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब बताइए इज हमारा वर्ब है, सबको पता है इज वर्ब है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कजोलिंग अ गर्ल, गर्ल सब्जेक्ट है कि कजोलिंग सब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस। सर गर्ल सब्जेक्ट है और गर्ल सब्जेक्ट है, फुल सब्जेक्ट है सर, कसम से ग्रामर पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर गर्ल सब्जेक्ट है और कजोलिंग जिरंड है। ओके, तो अगर ये जिरंड है तो ये जिरंड है और ये सब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, तो इतना बताइए, अगर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कजोलिंग इज टफ, अब सब्जेक्ट किधर है, तो इसमें कजोलिंग सब्जेक्ट नहीं है, कजोलिंग गर्ल फुल सब्जेक्ट है। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, कजोलिंग कभी भी अगर वर्ब में आईएनजी ऐसा लग रहा है, ये जो इकलौता आप देख रहे हैं ना यही सब्जेक्ट है, और ये जो गर्ल आप देख रहे हैं ना वो इसका, ये जो ये आपका आईएनजी सब्जेक्ट है, लेकिन बना तो वर्ब से है ना, ये कजोल एक वर्ब था, वर्ब में आईएनजी लगाने से बनने को तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इसको फुल हक है कि ये अपना एक ऑब्जेक्ट रख सकता है। पटाना, किसको पटाना, लड़की को पटाना, तो ये लड़की इस कजोल का ऑब्जेक्ट है, यानी कि फातिमा ने सही बोला कि पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें अगर कोई बोले कि गर्ल क्या है तो गर्ल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो वो होता है ना कि आप किसी काम को कोई कर रहा है, तो लड़की कुछ नहीं कर रही है, मेन हमारा पटाने का काम है ये कजोल। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि राइटिंग राइटिंग इज टफ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मुश्किल है, कौन सी चीज मुश्किल है, लिखना, लिखना, लिखना मुश्किल है, तो यहाँ पर राइटिंग हमारा सब्जेक्ट है, राइटिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राइटिंग अ लेटर इज टफ, अब लेटर सब्जेक्ट नहीं है, अभी भी सब्जेक्ट राइटिंग है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, वो राइट शब्द का ऑब्जेक्ट है। खाली जैसे मैं कह रहा हूं लिखना मुश्किल है, लेकिन क्या लिखना मुश्किल है, तो लेटर लिखना मुश्किल है। तो अच्छा मुझे यहां बताइए, अभी मैं ब्रेन वॉश कर देता हूं, मैं बोलता हूं कि राइटिंग सम लेटर्स, अब बताइए कि मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं, दूध का दूध आर, आर। जितने लोग आर बोलेंगे उनको अब तक समझ में नहीं आया है, जितने लोग आर बोलेंगे वो नहीं समझे। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है,
अगर मैं कहता हूँ कि राम इज ईटिंग, तो मैंने राम को देखकर ही इस लगाया होगा ना. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि राम एंड सोहन आर ईटिंग, तो मैंने किसके लिए आर लगाया, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, इसलिए लगाया ना. यहाँ पर एंड लगा है, दो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर राइटिंग सम लेटर्स, यहाँ पर लेटर्स सब्जेक्ट नहीं है, अभी भी सब्जेक्ट हमारा सिर्फ राइटिंग है. लेटर्स, एक एक लेटर लिखना मुश्किल हो या हजार लेटर लिखना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, लिखना राइटिंग, ये राइटिंग हमारा सिर्फ सब्जेक्ट है. तो आर नहीं होगा, क्या होगा? राइटिंग सम लेटर्स इज टफ, इज टफ. एक एक मैं क्या नाम है इनका, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज या आर कमिंग. मेरा एक दोस्त आ रहा है. सर इज, भाई यहाँ तो फ्रेंड्स है, आर लगाओ. इज क्यों भाई, क्योंकि एक, हाँ अब आपके समझ, एक दो, हाँ मैं समझ गया, अब आपके समझ में आया कि अच्छा इतने दोस्तों में से कौन आ रहा है जी, एक आ रहा है, एक आ रहा है. तो एक के लिए इज लगाएंगे. तो उसी प्रकार, उसी प्रकार से आप लेटर्स को देख करके मत सोचिए कि आर लगेगा. जैसे यहाँ फ्रेंड्स को देख करके तो आपने नहीं सोचा है ना. यस सर. तो उसी तरीके से ये लेटर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राइटिंग हमारा सब्जेक्ट है. राइटिंग, समझे? हाँ जी. अगर मैं कहता हूँ कि स्विमिंग, स्विमिंग मुश्किल है, तो मैं क्या बोलूंगा? स्विमिंग, स्विमिंग इज टफ, स्विमिंग इज टफ, स्विमिंग इज डिफिकल्ट. तो यहाँ पर स्विमिंग हमारा एक सब्जेक्ट है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, इज लग रहा है. और जिरंड हमेशा सिंगल ही रहेगा, वो डबल कैसे हो सकता है? जिरंड हमेशा सिंगल ही रहेगा. अब मैं कहता हूँ कि टीचिंग, टीचिंग 500 स्टूडेंट्स, अब तो बहुत ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स. अब बताइए इज या आर? सर इज लगेगा, इज आएगा. हाँ जी, इज आएगा, क्योंकि हमें स्टूडेंट से मतलब नहीं है, मेन काम क्या है? टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग डिफिकल्ट है. चाहे मैं 1 लाख को पढ़ाऊं चाहे 10 लाख को पढ़ाऊं, टीचिंग डिफिकल्ट है. अगर अंकित कहते हैं कि सॉल्विंग सम क्रिमिनल केसेस, तो आर होगा कि इज होगा, बताइए? सॉल्विंग है, सॉल्विंग सम क्रिमिनल केसेस. सर इज होगा. हाँ जी, क्योंकि बात सॉल्विंग की हो रही है. हाँ जी, यहाँ पर 1 लाख केसेस भी हो, सॉल्व करना मुश्किल है. लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि दीज केसेस इज टफ या आर टफ? आर. हाँ जी, यहाँ पर आर हो जाएगा. केसेस लिख दो जरा, दीज केसेस, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ही केसेस है, दीज केसेस ही हमारा मेन. तो मैं बस इतना कह रहा था कि जो जिरण है, जो आईएनजी में कहां से कहां चला गया सवाद के चक्कर में. कहां से कहां पहुंचा. वैसे सवाद ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमारी काफी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई. जी, तो मैं इसको सेव करके फाइल भेज दूंगा. ठीक है, मैं सेव कर देता हूं. यस ओके जी, एक मिनट. कनेक्टर्स, व्हाट इज द डेट टुडे? फर्स्ट, फर्स्ट जुलाई. के जी, कौन सा बैच है जी थोड़ा? 10 PM AM एंटी मेरिडियन है. PM को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन. सर, व्हिच इज योर फेवरेट बैच एंड व्हाई? अच्छा, व्हिच इज माय फेवरेट बैच? फेवरेट बैच इन व्हिच अंकित रिमेंस अवेलेबल. अच्छा अंकित, आज एक डिबेट है अंकित, शाम को 9 बजे. ठीक है सर, ही इज रेडी सर. हां, आज और बट अंकित, 9 बजे में वही है, लव अरेंज ही है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज है. बट आई एम टेलिंग यू अंकित, 9 o'clock बैच, रात को 9 बजे जो बैच है, उसमें बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी स्पीकिंग, स्पेशली गर्ल्स आर वेरी फ्लुएंट इन दैट बैच. ठीक है सर. तो आप ना मतलब टक्कर देने लायक हैं, वो लोग बेहतरीन बोलते हैं. तो उसमें 3 लोगों ने अरेंज चुना है, 3 लोगों ने लव चुना है. तो आप कोई भी एक आप बोल सकते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ वो बज हो, वो ड्रामा क्रिएट हो, मजा आए. और वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी, क्योंकि वहाँ भी सब रिकॉर्डिंग से थोड़ा घबराते हैं कि नहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं आएंगे, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी.
बट सर कैन आई जॉइन? हाँ हाँ आप भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, डिबेट ही तो करना है। चलो जी, तो ये हो गया सून आफ्टर, तो समझ में अब आ गया होगा। आफ्टर के बाद सवाहत आईएनजी लगा लेना जी, ठीक है? यस सर। चलो जी, अब आप शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये रहता है सर कि कई बार क्लाइंट्स आ जाते हैं शाम को। ओके, जैसे कोई अगर आया सर तो सुबह तो आ नहीं पाते, शाम के टाइम ही जाते आते हैं। अब मैं अगर 7 बजे भी बुलाऊं तो 1 घंटा लेट होके 8 बजे आएंगे या 9 बजे आएंगे। सही बात, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर टाइम रहा, मान लीजिए इफ यू आर राइट सर, राइट सर, ओके। चलो जी, सून आफ्टर हो गया है। अब सून आफ्टर के बाद एक होता है आफ्टर विच, आफ्टर विच, रजनी, आफ्टर विच। आफ्टर विच का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसके बाद, जिसके बाद, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि कोई एक कहानी पहले बोलनी पड़ेगी कि आई वेंट टू पार्क, सडनली सम, अचानक कुछ लड़के मेरे पास आ गए, सडनली सम बॉयज केम टू मी, ओके, वो मुझ पे कमेंट करने लगे, दे स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स, सम पासिंग कमेंट्स, कमेंट्स ऑन मी, कमेंट ऑन मी, कमेंट ऑन, जिसके बाद मैंने खुद को मैं संभाल नहीं पाई, जिसके बाद आफ्टर विच आई कुड नॉट control my anger, अपने क्रोध को संभाल नहीं पाई, ओके, और इसके तुरंत बाद मैंने उनको पीटना शुरू कर दिया, and soon after it, I started beating them. तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि after which जब ही लग सकता है, जब पहले दो चार लाइन बोल लो कि मैंने ये किया वो किया, जिसके बाद पुलिस आ गई, जिसके बाद ये हो गया, यू नो, जिसके बाद, कभी भी जिसके बाद बोलना है तो आफ्टर विच। और कोई मशाल कुछ सोचो जरा, आफ्टर विच पे कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ जैसे लॉट्स ऑफ थिंग्स, व्हेन आई वेंट टू द स्कूल द डोर वाज क्लोज्ड आफ्टर विच आई केम बैक होम। हां, जिसके बाद, सही है। अब बंदा कह रहा है कि आई वेंट टू द school and I found the door closed, after which I decided to return my home, yeah, come back to my home. तो ये है after which, जिसके बाद, okay, fine। तो दिमाग में रखिएगा after which, तो soon after आपके समझ में आ गया, और आफ्टर विच भी समझ में आया, ओके। एक और सर, आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट उसके बाद, और आफ्टर विच जिसके बाद, ये तो बस जैसे आपके मन में हिंदी कैसे आता है, हिंदी में उसके बाद कहते हो, जिसके बाद कहते हो, वैसे ही है जी। आफ्टर दैट मैं इसलिए नहीं बता रहा, तो सबको पता है आफ्टर दैट आई वेंट देयर, आफ्टर दैट, तो जो यूनिक है, जो ऐसा लगता है जो आप यूज नहीं करते हो, वो मैं सिखा रहा हूँ, जो आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, बट यूज होता है। तो आफ्टर दैट की जगह हम आफ्टर विच यूज कर सकते हैं। दोनों तो जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं आफ्टर दैट, तो उसमें हम आफ्टर विच यूज कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर विच यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा स्टोरी में ऐसा दिखना चाहिए कि जिसके बाद ये हो गया, यू नो, जैसे कि वो लड़का मेरे पास आया, वो मुझे घूर रहा था, जिसके बाद मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तो उसके बाद मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, ये भी चलता है। और जिसके बाद में ऐसा लगता है कि एकदम कनेक्टिविटी सब दिखती है, कि एकदम मतलब इतना किया और जिसके बाद जी मैंने तो बस कर दिया जी। प्योर हिंदी की तरह प्योर इंग्लिश होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आप हिंदी में जिसके बाद सोचते हैं, तुरंत आफ्टर विच लगा दीजिए, कभी ना कभी तो इस्तेमाल कर ही बैठेंगे आप आफ्टर विच का। लेकिन आफ्टर विच में मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप आफ्टर विच लगाएं तो यानी कि आप कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट दिखाना चाह रही है ना, जैसे कुछ हुआ जिसके बाद मैंने ये किया, ऐसा लगता है ना, कुछ रिजल्ट आप दिखाना चाह रही है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे बॉस ने मुझे कैबिन में बुलाया, माय बॉस कॉल्ड मी इनटू हिज कैबिन, अपने कैबिन में बुलाया। अगर मैं इनटू ना भी बोलूँ तो टू भी चलेगा, उन्होंने बुलाया तो कॉल्ड मी टू हिज कैबिन, मैं उसके कैबिन में एंटर हुआ, आई
I entered his cabin. वो मुझे डांटने लगे. He started scolding me. और गाली भी देने लगे. And started abusing as well. He started scolding me. वो अच्छा एक मिनट, मैं ये शेयर कर रहा हूँ जरा, मैंने अब तक शेयर नहीं किया है. एक मिनट, मैंने अब तक शेयर किया ही नहीं है, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है. हेलो, पूरा आफ्टर विच मैंने पढ़ा दिया, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था. नहीं सर. ये देख लीजिए, आफ्टर विच समझ में आ रहा है, ये है आफ्टर विच. इसका मतलब क्या है? जिसके बाद. ओके, आफ्टर विच. ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ. देखिए, आफ्टर विच हम तब लगाएंगे जब हम बात करेंगे किसी रिजल्ट की, किसी रिजल्ट की बात करेंगे. जैसे माई बॉस कॉल्ड मी टू हिज कैबिन, मेरे बॉस ने कैबिन में बुलाया. आई एंटर्ड हिज कैबिन. ही स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड अब्यूजिंग मी. इट्स नॉट करेक्ट. मतलब वो भी abuse भी, ये भी की फीलिंग देता है. He started scolding me and abusing. तू आ सकता है टू. Started के बाद. नहीं, टू नहीं आएगा. जैसे कि मैं उसे गाली दे रहा था, आई वॉज अब्यूजिंग हिम. आप कह रहे कि आई वॉज अब्यूजिंग टू हिम, नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी एंड अब्यूजिंग एज वेल. साथ ही साथ वो मुझे गाली भी देने लगा. जिसके बाद मैंने अपना आपा खो दिया. जिसके बाद आफ्टर विच मैंने अपना आपा खो दिया. I lost my temper. और मैंने लैपटॉप उठाया और उनके सर पे दे मारा. एंड मैंने लैपटॉप उठाया. I picked the laptop and hit him. तो यहाँ पर मैंने picked up होगा ना. हाँ, picked up भी लगा सकते हो. क्या एक ही बात है, pick ही तो क्या. मैं जो after which आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे क्या दिख रहा है कि after which के बाद कहीं ना कहीं result दिख रहा है. After which से पहले क्या दिखा कि किसी बंदे ने कुछ activity की, और after which के बाद क्या दिखा, मैंने temper खो दिया, मैंने laptop दे मारा. तो समझ में आ रहा है ना कि एक result की तरफ हम जाते हैं, यू नो. तो पहले आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जिसके बाद भैया मैंने तो ये कर दिया जी. तो ये रिजल्ट की तरफ जाएगा. मशाल, समझ में आ रहा है? मशाल सॉरी. यस सर. ठीक है, उनको और मैंने क्लियर कर दिया. किसको? यस सर. ठीक है. तू यस सर, अभी आपने कहा कि माय बॉस कॉल्ड मी टू हिज कैबिन. अगर हम खाली ये कहते कि माय बॉस अपने कैबिन में बुलाया, मतलब ये लोकेशन को दिखा रहा है. आखिर उसने मुझे बुलाया तो किस जगह बुलाया, तो टू से पता चलता है कि इस लोकेशन को बुलाया. वो लोकेशन को दिखाता है. अगर मैं इन टू लगाऊंगा कि मैं उनके कैबिन में एंटर हुआ, तो मैं ऐसे बोल सकता था कि आई वेंट. अगर मैं वेंट बोलूँ कि आई वेंट इन टू हिज कैबिन. यहाँ इन टू जब मैं प्रपोजिशन वाली क्लास लूंगा ना, उसमें जैसे मैं टू को हिंदी की तरीके से नहीं सिखाना चाह रहा हूँ. मतलब टू के जितने यूजेज है वो मुझे आपको रटवाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा. कुछ सिचुएशन होगा, कुछ आपको फिक्स्ड रटने पड़ेंगे वो फिक्स्ड प्रपोजिशन के तौर पर. तो इसमें आप हिंदी या उर्दू की तरह ना सोचे, वो काम नहीं आएगा. खैर, ये तो बात की बात है. हम कनेक्टर्स की बात कर रहे थे. तो सून आफ्टर हो गया और आफ्टर विच हो गया. बस एक लास्ट, उसके बाद आप लोग डिस्कस करना, फिर मैं कुछ देर में निकल ही जाऊँगा, एक घंटा होने वाला, बट आप लोग डिस्कस जरूर करना. एक होता है वाइल काफी इस्तेमाल होता है. तो वाइल का मैं आपको यूज समझा दूं. वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है. जैसे आपने बोला कि टीवी देखते समय, तो कैसे बोलेंगे? वाइल
ओके। खाना पकाते समय while cooking food ओके। अपने हस्बैंड से बात करते समय while talking to my husband ओके। इंग्लिश क्लास लेते समय while taking English class. अब आपको आगे सेंटेंसेस बोलने हैं, आगे जोड़ना है कि भाई खाना पकाते समय मैं मोबाइल पे वीडियो देख रही थी, तो या तो पहले पूरा बोल दो कि I was watching video on mobile while cooking food. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि while cooking food फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, I was watching a video on my mobile अपने मोबाइल पे। सेकंड मेथड इज वर्क ऑन राइटिंग में, दोनों में राइटिंग में काम आएगा, दोनों अलाउड है। वाइल से शुरू करेंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा यहां मोस्ट ऑफ राइटिंग वर्क इन सेकंड फॉर्म या, और अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कोई कॉमा नहीं है। आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑन द मोबाइल, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि टीवी देखते समय मैं खाना खा रही थी, तो मैं खाना खा रही थी, I was having food while watching TV. इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। तो ये तो इसके अंदर एक ही बंदा दो काम कर रहा है। आपको अगर ध्यान में हो कि आई नाम का व्यक्ति ही खाना खा रहा था और आई नाम का व्यक्ति ही टीवी देख रहा था, टीवी देख रहा, एक ही बंदा दो काम कर रहा था एक ही समय में। जैसे आप बोलो कि खाना खाते वक्त मेरे बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, तो क्या बोलोगे? My children Don't watch TV while having food. तो यहाँ पर बताओ कि खाना खाने का काम भी मेरे ही बच्चे कर रहे हैं और टीवी ना देखने का काम भी मेरे ही बच्चे कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन ये सवाल जाता है ऋचा को कि ऋचा अब सब्जेक्ट एक नहीं होगा, अब सब्जेक्ट दो होंगे। जैसे okay. मुझे बोलना है कि कार चलाते समय, कार मान लो मैं चला रहा हूँ, कार चलाते समय मेरा दोस्त मेरे बाल खींच रहा था, तो खींचने वाला कौन? दोस्त। कार कौन चला रहा है? yes, मैं। तो मैं कैसे बोलूँ? yes, मेरा my मेरा दोस्त friend. मेरे बाल खींच रहा था, my friend was pulling my hair। हाँ, अब While ड्राइविंग लगा दूं? While, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो इससे साफ पता चल रहा है कि एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है। मेरा दोस्त ही बाल खींच रहा है और मेरा दोस्त ही कार चला रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा दिखाना है कि दो लोग हैं। तो ऐसे सूरत में आप क्या करोगे कि माई फ्रेंड वॉज Pulling my hair while I was driving car. ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दो लोग दो अलग अलग लोग हैं। समझ में आ रहा है? ओके okay? ऐसे क्या बोलो कि किचन में मतलब खाना पकाते समय मेरे पति मुझसे बात कर रहे थे। My husband talked to me while I was cooking food in kitchen. In the kitchen. ये है जी। Sound हमारी। ठीक है जी, तो ये connectors थे, मैंने file save कर दिया, file आपको भेज दूंगा, okay? फाइन गाइस, तो आपकी कनेक्टर की क्लास खत्म होती है। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर, वी ऑल नो अबाउट द ऑल ग्रामर, बट
but why we can't speak? Where is the problem? For last 6 months we are trying to speak. So where is the problem? What we can do? You are not connected with me for 6 months. Okay. आपने नो ठीक है आप अपने घर पे देखिए आई एम टेलिंग यू एक बंदा पूरी डिक्शनरी रट ले पूरा ग्रामर रट ले मैं कहता हूँ अंग्रेजी नहीं बोल सकता है मतलब अंग्रेजी बोलना मतलब बोलने का काम क्या आप 6 महीने से 5 घंटे या 6 घंटे घर में अंग्रेजी बोल रहे हैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहे होंगे तो अगर आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं मतलब आपको ये पता है कि मैं गया तो आई वेंट होगा मैं जाऊंगा तो आई विल गो होगा यानी कि आप ओके हैं सिर्फ अब आपको बोलना है तो जब आप बोलने वाले वो ड्रामे करेंगे सिचुएशन पैदा करेंगे घर में हमें रोज आई थिंक 5-6-10 सिचुएशन तो रोज मिलते होंगे ना कभी गुस्सा होना कभी चिल्लाना कभी सिलेंडर उठा चिल्लाना वहां पर हम अंग्रेजी बोलने से कतराते हम नहीं बोलते तो ऐसे क्लासेस में क्या होता है कि मैं उन सिचुएशन को जानबूझ के लाता हूँ रोल प्ले के माध्यम से कि आप उसको आप जिए और उस पर बात कीजिए तो ये करने से हम अप्लाई करेंगे हमने ज्यादा नहीं किया इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे तो अब ये करना होगा अब ये करते समय इंसान एरर करेगा उसे पता सब है सब है लेकिन वो गलतियां करेगा क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं है जुबान पर वो अचानक उसके मुंह से डिड की जगह डोंट आ जाएगा ये होना है yes, sir. अब फिर कंट्रोल करते करते और ये इसीलिए एक मेंटोर चाहिए एक टीचर चाहिए होता है कि भाई उसको पकड़े रोके उसको समझाए कि नहीं वापिस आ गलत जा रहा है एक मेंटोर तो चाहिए ये करते 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 तब बंदा उसको लगता है कि अब मैं किसी से बात कर सकता हूँ यार वो एक अंदर से आवाज़ आती है इसीलिए मैं कहता हूँ 3 महीने का कोर्स नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ कुछ नहीं होता जी ऐसे ही होता है बस ये घर की प्रैक्टिस है इंस्टीट्यूट आपको 3 से 6 महीने इससे ज़्यादा कोई क्या सिखा देगा घर पर अल्टीमेटली घर पर हमें अंग्रेजी बोलना चालू कर देना चाहिए अगर टीचर ने बोल दिया कि अब तुम आराम से कोई मिस्टेक्स नहीं है तुम सवाल भी पूछ रहे हो जवाब भी दे रहे हो अब तुम अपनी गाड़ी खुद चलाओ जी अब बगल में तुम्हारा मेंटोर बैठ के तुम्हें नहीं सिखाएगा तो अगर मैं आपकी जगह होता कसम से बता रहा हूँ मशाल मैं अपने घर में कोई मुझसे हिंदी बोलता पंजाबी बोलता कोई बात नहीं मैं अपनी बात अंग्रेजी में रखता कोई हंसे तो हंसे बाहर जाके मैं एज पर द सिचुएशन बात करता भाई कोई अंग्रेजी नहीं भी समझ सकता है घर में तो मैं अपने आप को पागल कहलवाने में अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं तुझे बोलूँगा जब मैं अपने टाइम में आपको पता है मैंने किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा अपने टाइम में मतलब मैं ऐसा था कि अगर मैं किचन में अगर कभी मुझे मौका मिला कि मैं किचन में चाय बना रहा हूँ तो मैं एक्टिविटी को कहता था कि नाउ ओके आई एम गोइंग टू मेक टी आई एम होल्डिंग दिस पैन मैं एक एक प्रोसेस को ना करते समय एक्सप्लेन करता था मैं ताकि उस सिचुएशन पे मेरी जुबान खुलती चली जाए अगर मैं ऐसे पानी डाल रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ कि नाउ यू नो एज यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग माई राइट हैंड टू होल्ड द ग्लास नाउ आई एम पोरिंग दिस वाटर इन टू द पैन एक एक चीज में बोलता था बोलते 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 आदत हो गई यही चाहिए सर ओके सर सर वो डेंगू एच का बहुत डाउट है सर आप चलो 9 बजे के बैच में आप मत इन्वॉल्व करो आप एक वीडियो बना दो सर सबकी एक फिर से मैं आपको इसी बैच में सारा सिखा दूंगा वीडियो तो मेरा WH पे है मैं इसमें सिखा दूंगा ठीक है पहले व्हाट अबाउट माय केस सर आपके केस में एक मिनट जरा